हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश के कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं और एक्चुअल में हम हमेशा उनको पढ़ते हैं लेकिन वो सही तरीके से हमें याद नहीं रह पाते ऐसे क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट बहुत अनिवार्य होती है बहुत बहुत शॉर्ट कारगर होती है और वो हमारा क्वेश्चन सही करवा देती है सो so, yeah, ऐसे क्वेश्चन के लिए उनमें से एक क्वेश्चन है जैसे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है ये तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के चौदह

मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से ये कर ये थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ी हो सकती है क्योंकि यहां पर आ, मैं कोई स्केल लेकर के नहीं बना रहा हूं सो आई थिंक ये बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई सो so, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास करता हूं ठीक है सो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से ये कर्क रेखा गुजरती है और वो मध्य प्रदेश के मध्य से जो कर्क कर रेखा गुजरती है यहां से मैं इस रूप में लाता हूं क्योंकि ये यहां पर सहडोल है ये यहां पर सहडोल है इस बात को ध्यान रखना है जिससे कर्क कर रेखा गुजरती है सबसे पूर्वी भाग में तो ये मध्य प्रदेश का ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं सो ये, वैसे तो ये लाइन स्ट्रेट है जो मैंने बनाया है प्रैक्टिकल में वो वैसा स्ट्रेट नहीं है तो ये कर्क रेखा है ये क्या है कर्क रेखा इससे हम बोलते हैं और ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के टोटल चौदह जिलों से होकर के गुजरती है कितने जिलों से चौदह जिलों से फोर्टीन डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो चौदह जिले कौन से सिंपल सी ट्रिक है आपको ध्यान रखना है मैं जो यहां पर ट्रिक बताने जा रहा हूं ये आपको किस रूप में मिलेगी ये आपको ध्यान रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यानी कि पश्चिम से पश्चिमी दिशा से पश्चिमी दिशा से पूर्व की ओर जाने पर यह ट्रिक आपको यह ट्रिक समझने में मदद करेगी तो ध्यान रखिएगा यहां पर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं एक एक करके सबसे पहले राशि सा याद रखना है क्या रुआ राशि भवरा सावरा सा रउा राशि भवरा सा दम जब कटनी दम जब कटनी उमरा सा दम जब कटनी उमरा सा तो ये आपको ध्यान रखना है यदि आपने ये याद कर लिया अगेन रिपीट कर लिए मेरे साथ उुआ राशि सा रउा राशि सा दम जब कटनी उमरा सा अब यहां पर देखिए रा लिखा हुआ इस रासे का मतलब क्या हो गया रासे रतलाम हो गया रासे क्या हो गया रतलाम हो गया तो ये सबसे पश्चिमी जिला है जिससे कर्क रेखा गुजरती है रतलाम सबसे पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का जिससे कर्क कर रेखा गुजरती है वैसे सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है लेकिन जिससे कर्क रेखा गुजरती है यह है आपका क्या रतलाम इसके बाद रउआ यहां पर सॉरी ये यहां पर एक्चुअल में ये वाला पार्ट नहीं है ये वाला पार्ट है रउआ राशि भवरा सा दूसरा उ, उ से क्या है उज्जैन इसके बाद दूसरा जिला जिससे कर्क रेखा गुजरती है उज्जैन इसके बाद तीसरा जिला आ दैट मीन आगर जो साजापुर से अलग होकर के बना है आगर और इसके बाद रा रा अगेन आता है तो रा से यहां पर राजगढ़ जो कि भोपाल से लगा हुआ जिला है रउआ राशि रउआ रा सी, सी से सीहोर सी से क्या है सीहोर याद रखना है सी से क्या है सीहोर इसके बाद रउा राशि भवरा सा भा से भोपाल से क्या है भोपाल इसके बाद भोपाल के बाद भवरा सा भवरा सा यहां पर आ जाएगा आपका क्या ये ध्यान रखना है विदिशा वी से क्या है विदिशा वी से क्या है विदिशा विदिशा के बाद भवरा रायसेन रायसेन रा से रायसेन इसके बाद भंवरा सा सा से आगे आ, जा आ जाएगा आ आपका क्या सागर सा से क्या आ जाएगा सागर जो कि बुंदेलखंड का पार्ट है इसके बाद रउआ राशि भंवरा सा दम दम से दम से दमोह दम से दमोह दम से दमोह दम दमो, इसके बाद दम जब जब से जबलपुर जब से क्या आ जाएगा जबलपुर जब से जबलपुर रउआ राशि भंवरा सा दम जब जब कटनी कटनी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है दम जब कटनी उमरा सा उमरा से क्या जाएगा उमरिया और सहडोल उमरा से उमरिया और उमरिया और सहडोल और सहडोल तो ये चौदह जिले रउा राशि भवरा सा, आप एक करके एक एक करके काउंटिंग भी कर सकते हैं पहला रतलाम दूसरा उज्जैन तीसरा अगर ये क्रम से भी है ये क्रम से भी यदि हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से आ जाएगा तो रउआ तीसरा आगर चौथा राजगढ़ रउआ राशि भवरा सा, सा सीहोर इसके बाद पांचवा भोपाल छठवा आपका भवरा सा छठवा भोपाल सातवां आपका रायसेन आठवां आपका सागर नौवां आपका दमोह इसके अलावा दसवां आपका जबलपुर रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी ग्यारहवा जब आपका कटनी और इसके अलावा बारहवा आपका मिनट कोई यहां पर डिस्ट्रिक्ट रह गई शायद रव राशि एक दो तीन रुआ राशि जब कटनी उमरा सा एक कोई डिस्ट्रिक्ट यहां पर हमारी शायद रह गई है दस ग्यारह बारह हो जाएगा ये तेरा लेकिन तेरह नहीं चौदह जिले यहां पर आएंगे एक शायद कोई डिस्ट्रिक्ट है जो यहां पर मिस हो रही है हमें और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हाँ भोपाल की नंबरिंग एक्चुअल में नहीं भोपाल की नंबरिंग तो की है छठवा सातवा आठवा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह आतोरा है यहां पर लेकिन यहां से क्यों नहीं आ रहा है एक दो से उज्जैन आ से आगर तीन चार राजगढ़ आपका राजगढ़ चार और अच्छा तीन नंबरिंग हमने दो बार कर दी है यहां पर गड़बड़ी हो रही है तीन और ये चार नंबरिंग गड़बड़ी हुई है ये क्या आएगा आपका यहां पर चार आएगा चार यहां पर पांच आएगा यहां पर आएगा यहां पर यहां पर पांच यहां पर छह यहां पर सात और यहां पर आठ यहां पर नौ यहां पर दस यहां पर ग्यारह यहां पर बारह यहां पर तेरह और यहां पर चौदह ठीक है so, सो इस प्रकार से ये चौदह जिले हैं मैं एक बार अगेन आपको रिपीट कर देता हूं ध्यान से रउआ राशि भमरा सा रउआ रउआ राशि भमरा सा भमरा सा दम जब कटनी दम जब कटनी उमरा सा दम जब कटनी उमरा सा तो यहां पर ध्यान रखना है रउआ से रतलाम रतलाम उज्जैन उज्जैन और इसके अलावा आगर मालवा आगर रउआ राशि राजगढ़ राजगढ़ प्लस इसके अलावा सीहोर प्लस इसके अलावा सीहोर इसके अलावा भंवरासा सा भोपाल भोपाल विदिशा भोपाल विदिशा प्लस इसके अलावा रासे रायसेन रासे, रायसेन प्लस इसके साथ साथ सासे, सागर सा से सागर दम जब दम से दमोह दम से दमोह और जब से जबलपुर जबलपुर दम जब कटनी उमरासा कटनी उमरिया और इसके अलावा उमरिया और इसके अलावा सहडोल तो ये ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जिससे कर्क पश्चिमी जिला है, है तो संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कौन सा जिला है कौन सा जिला है? नहीं है कौन से जिले से गुजरती है कौन से जिले से नहीं गुजरती है सबसे पूर्व लेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर तो भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाए आप उसको कि उसके लिए कि उस को आप कर पाएंगे। ठीक है कि और भी चीजें आपको क्लियर करूं सो so, अभी के लिए दोस्तों इतना ही और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप सभी की एमपीपीएससी की तैयारी के लिए एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है ये जबरदस्त ऑफर एक्चुअल पर ही पुनः जो है एक्सटेंड किया गया है और ये ऑफर है सिर्फ 26 तक के लिए 26 के पहले आप सब्सक्रिप्शन ले 26 26 दिसंबर के के पहले पहले यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस रेफरल कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा क्यों कैसे इस कोड का प्रयोग करने पर आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ट्वेंटी का तो ऑफर ट्वेंटी लेस प्राइस पर आपको सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रहा है और इसके साथ साथ आपको

डबल बेनिफिट का जरूर जो है मौके का जो जो अवसर मिला है इस अवसर का लाभ उठाएं थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद